श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका विशेष स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में पितृदोष, जी हां, पितृदोष क्या होता है, किस प्रकार हमारे कुंडली में पितृदोष हो जाता है और पितृदोष के कारण किन किन समस्याओं को हमें झेलना पड़ता है, हमारे जीवन में वो समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का एक सटीक उपचार हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग जानें कि पितृदोष क्या होता है। देखिए, पितृदोष का सीधा तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किया हुआ कुछ ऐसा कार्य जिन कार्यों का परिणाम हम भोग रहे हैं। जी हाँ, पितृ के द्वारा दोष, जैसे हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किए उन कार्यों में कुछ कमी रह, उन्होंने अच्छा और बुरा काम किया। यह चराचर अच्छे और बुरे काम का है, द्योतक है। तो जो बुरे काम हुए उनके द्वारा और उन की कहीं शांति नहीं हो पाई, तो उन कामों का जो परिणाम है उनके पुत्र उनके पौत्रों को भोगना पड़ता है। इसकी जानकारी हमें अपने जन्म कुंडली से होती है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य, जी हमारा जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए, किसी नीच ग्रहों के साथ बैठ जाए, पापस्थ हो जाए, ऐसी अवस्था में हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष का ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही साथ बृहस्पति भी कमजोर हो तो भी पितृदोष लगता है। क्या होता है पितृदोष? यदि आप किसी व्यक्ति के 3 संतान हैं, उसमें 1 संतान को पितृदोष है और बाकी को नहीं, उसका प्रभाव हो रहा है, तो जिसके कुंडली में बृहस्पति या सूर्य कमजोर है, पापस्थ है, पापक ग्रहों के साथ संबंध कर रहा हो, उसी व्यक्ति को पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण आपको अपयश की प्राप्ति होती है, संतान इत्यादि की सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, आपके संतान बहुत कम होते हैं और होते हुए भी वह व्यभिचारी हो जाते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, आप कर्म बहुत करते हैं परंतु कर्म का परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ पाता है। इन सारी समस्याओं की परिस्थितियों को पितृदोष कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का निवारण भी बताया गया है। निवारण कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो वह व्यक्ति सूर्य की आराधना करे और सूर्य की आराधना से पितृदोष समाप्त होता है। जी हाँ, ग्रहों के स्वामी सूर्य को कहा गया है और ग्रहों के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति की उपासना से भी पितृदोष कम होता है। विशेष क्या उपाय करें, विशेष कौन सा उपाय करें जिससे पितृदोष आपके जीवन में समाप्त हो जाए? देखिए, विशेष करके रविवार के दिन, जी हाँ, रविवार के दिन आप पक्षियों को जल दें, उन्हें दाना दें, साथ ही साथ आटा, जी हाँ, आटे का गोला गोला बनाकर, छोटे छोटे आटे के गोल गोला बनाकर मछलियों को खिलावे। ऐसा करने से आपका पितृदोष समाप्त होता है। इसके साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे, जी हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे गुड़ जल अपने पितर को ध्यान कर अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली से पितृदोष का निवारण होता है। जिस व्यक्ति को विशेष
पितृ दोष लगा हो। जिस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यदि संतान है तो वह स्वस्थ नहीं रह पा रहा है, ऐसे व्यक्ति अमावस्या के दिन प्रत्येक अमावस्या को भोजन निकालें और उसे पक्षियों को, खास कर कौए को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में पितृदोष का निवारण हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, नमः पार्वती पते।